हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेयर हाउस इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। कुछ वेयर हाउस इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वेयर हाउस को कैसे मैनेज किया जाता है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम वेयर हाउस को मैनेज कर सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए गाइस। सबसे पहले वेयर हाउस को मैनेज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ वेयर हाउस। वेयर हाउस एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर हम अपने एसेट्स, अपना सामान, अपना प्रोडक्शन रखते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए हमें जो एसेट स्टोर है, एसेट मैनेजर है या फिर एसेट असिस्टेंट्स है, उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो वो लोग किस तरह से काम करते हैं, ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो उसमें से आपको इनपुट और आउटपुट के बारे में पता होना चाहिए कि जो एसेट्स हमारे पास है और जो एसेट्स हमें बाहर जाने वाला है और भविष्य में जो एसेट्स हमें लगने वाला है, इसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। तो इनपुट आउटपुट के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ की जो एसेट्स डैमेज होता है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कितना एसेट्स डैमेज हो चुका है या फिर कितने एसेट्स में हमें लॉस हो चुका है। अभी बात करते हैं कि हम अगर प्रोडक्ट का इंपोर्ट कर रहे हैं 100% और अगर हम उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं 80% और 20% लॉस है, तो वो लॉस भी कैलकुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट बहुत कम रहेगा गाइस। सो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप इंटरव्यू में कह सकते हैं। सो होप कि वेयर हाउस इंटरव्यू मैनेजमेंट का जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आपको इन्हीं टॉपिक्स पे बताना है, इन्हीं टॉपिक्स पे बात करनी है। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ क्वेरी हो, कमेंट्स हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।